अस्सलाम व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। मिस्टर अदील आकिल हैं, ये CEO हैं ALM शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स के। इनसे हम आज जानेंगे कि पाकिस्तान में जो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक जो इंडस्ट्री है उसका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है। आपका क्या अपना पोर्टफोलियो, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि जो पर्सनालिटी आज हमें इस बिजनेस का जो स्कोप है लॉजिस्टिक एंड शिपिंग का जो बताने जा रही हैं, उनका अपना पोर्टफोलियो क्या है। मेरा बैकग्राउंड ये था कि जी मैंने एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है शिपिंग की, एंड स्टिल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। उस कंपनी का नाम है मर्क्स लाइन। आई वर्क देयर फॉर 7 ईयर्स एज द हेड ऑफ सेल्स। और मेरे पास ये अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे कि मैंने दुनिया के इतने बड़े ब्रांड से काम किया है कि वहाँ पे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला। तो जब मैंने ये मर्क्स लाइन छोड़ा तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड स्पेशली फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा रूम है फ्रेट फॉरवर्डिंग के लिए, क्योंकि अभी भी जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो एक्चुअली ट्रेड को पढ़ कर नहीं आते, ना ट्रेड को समझ कर आते हैं, वो ट्रेड को सुन कर आते हैं। तो आपको पता है ट्रेड को समझना और सुनना ये दो अलग चीज़ें हैं। आपका क्या अपना एक्सपीरियंस है कि जो शिपिंग लॉजिस्टिक्स फ्रेट फॉरवर्डिंग जो पूरी एक इंडस्ट्री है, इसका क्या फ्यूचर या क्या इस पर ग्रोथ है हम पाकिस्तानियों के लिए जो अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या इस सेक्टर में जॉब्स करना चाहते हैं, तो उस हवाले से ज़रा मुझे प्लीज बताइए। देखें, जहाँ तक इस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट बात यह है कि इस इंडस्ट्री के अंदर खासतौर पर जो शिपिंग इंडस्ट्री है हमारी, इसमें पढ़ाई का इतना सच फोकस नहीं होता, क्योंकि ये बेसिकली टेक्निकल इंडस्ट्री है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब मैंने MBA करके नौकरी की थी तो उस ज़माने में मेरी तनख्वाह 12,000 रुपये थी, और उसी ज़माने में क्रेन ऑपरेटर होता था जो पोर्ट कासिम पे क्रेन रखता था, जो मैं खासे 5वीं भी पास नहीं था, उसकी तनख्वाह 8 लाख रुपये थी। तो मैं बड़ा हैरत हुआ। 8 लाख? जी। ये कब की बात बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ जी आपको 2002 या 2003 की, उस टाइम पर। जी, उस टाइम पर। और उस टाइम पर भी वो कहता था कि मैं बहुत कम कमा रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा सऊदी अरब में मिलता है। तो ये सवाल जो सर ने पूछा क्यों, ये सवाल मैं अपने HR के पास गया कि मैम मैं तो MBA किया हुआ हूँ। तो उसने कहा बेटा ये तो टेक्निकल इंडस्ट्री है, कल तो क्रेन ऑपरेटर के पास, और बाकी ऐसे ही था, क्रेन ऑपरेटर की तनख्वाह तो ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादातर टेक्निकल काम है। अगर आपको अपनी पढ़ाई पर इतना जोआम है या अपने MBA पर इतना जोर है तो आप किसी FMCG कंपनी में या बैंक में चले जाओ। जहाँ तक इसमें पोटेंशियल की बात है, पाकिस्तान में हाईली पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री को लेकर, और अभी बहुत सारा वैक्यूम है। हमारा इदारा है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है PIFA, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन। ये हमारा बहुत बड़ा इदारा है जो कि हमारे फ्रेट फॉरवर्डर्स के लिए बहुत काम कर रहा है, टेक्निकल काम भी कर रहा है और एजुकेशनल काम भी कर रहा है। वर्कशॉप्स अरेंज करता है, सेमिनार्स अरेंज करता है लोगों को एजुकेट करने के लिए, ताकि इंडस्ट्री के अंदर कितना पोटेंशियल है और किस तरह नए नए तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर सकते हैं। उसी तरह एक हमारे बहुत बड़ा एरिया है काम करने के लिए, वो है गवादर। अब गवादर आपने बहुत सुना भी है और पता भी आपको गवादर के बारे में, लेकिन मैं आपको सिर्फ चंद छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ जो गवादर मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने आज यहाँ से कंटेनर भेजना है न्यूयॉर्क, तो आज का जो ट्रेड रूट है वो ये है कि कराची से पहले न्यूयॉर्क जाने के लिए जबल अली जाएगा जो कि दुबई में, जबल अली से जाएगा ओमान जो कि सलाला, और फिर वहाँ से जाता है न्यूयॉर्क। उसका ट्रांजिट टाइम है 27 डेज। अगर मैं गवादर से भेजता हूँ इस सामान को, यही सामान मेरा कराची से न्यूयॉर्क जाना है, तो ये पहले जाएगा कराची से गवादर और गवादर से सीधा जाएगा न्यूयॉर्क। इसका ट्रांजिट टाइम है 19 डेज। तो आप देख सकते हैं कहाँ 27 दिन पहले माल पहुँच रहा है और कहाँ 19 दिन में मेरा माल पहुँच रहा है। तो डेफिनेटली जो जल्दी पहुंचेगा उसकी कॉस्ट भी कम होगी, ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेंगे मुझे, और जो दूसरे रूट से जा रहा है जो अभी हम एग्जिस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा है और हमारा माल भी डिले हो सकता है। तो गवादर का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि दुनिया भर में जो भी हमारा ट्रांजिट रूट है, ये जो ट्रांजिट टाइम है हमारा, वो बहुत श्रिंक हो जाता है। जहाँ भी हम दुनिया में अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं वो हम वाया दुबई या वाया सलाला कर रहे हैं, लेकिन वंस वाया गवादर करेंगे तो चाहे वो दुनिया के किसी भी दुनिया में आप हिस्से में भेज रहे हो माल, वो आपका अभी जो एग्जिस्टिंग आपका जा रहा है सामान उससे बहुत जल्दी पहुंचेगा आपका। उसमें बेसिकली होता ये है कि जब हमारे पाकिस्तान में या दुनिया भर में दो तरीके के वेसल होते हैं, एक होता है फीडर वेसल, एक होता है मदर वेसल। बच्चों को या नए लड़कों को समझाने के लिए आसान लफ्ज़ों में ये होता है, एक होता है छोटा जहाज़, एक होता है बड़ा जहाज़। अमूमन पाकिस्तान के अंदर और तमाम दुनिया के छोटे मोटे ममालिक के अंदर छोटे जहाज़ आते हैं जो जाके एक जगह जमा होते हैं, जहाँ पर पहले से एक बड़ा जहाज़ खड़ा होता है उस छोटे जहाज़ को अनलोड करने के लिए। तो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर बड़े जहाज़ इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पोर्ट कासिम है जो कि कराची के अंदर है, उसकी जो गहराई होती है जहाज़ के, बड़े जहाज़ के लाने के लिए, वो गहराई बहुत कम है, इससे आप कहते हो डेथ।
तो जब आप बर्थ कर रहे होते हो जहाज़ को डॉक के साथ, तो अगर जहाज़ बहुत गहरा होगा आपका तो मिट्टी में फंस जाता है, और इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे जहाज़ हमारे समंदरों में फंसे हुए होते हैं, वो मिट्टी में फंस जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जहाज़ की लंबाई ज़्यादा होती है और पानी की गहराई कम होती है, तो उसकी वजह से मिट्टी के साथ अटैच हो जाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप गवादर जैसे और भी जैसे सलाला है, गवादर है और भी डीप सी पोर्ट्स हैं, इनकी गहराई इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें बड़े से बड़ा जहाज़ भी आ जाए तो वो नीचे धंसता नहीं है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि गवादर जो है वो टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान के ट्रेड के लिए, एक दफा ही ऑपरेशन हो जाए। इसका मतलब ये है कि जब गवादर का हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, फ्रेट फॉरवर्डिंग, शिपिंग, ये इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी। जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह फिर वो ओमान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको बताया कि ओमान को इस्तेमाल करने से आपका ट्रांजिट टाइम भी बढ़ जाता है और आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, एशिया के तमाम रीजनों के लिए गवादर सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसकी वजह से हमारे पास खाली पाकिस्तान का कार्गो नहीं आएगा, दुनिया भर का कार्गो, जिस तरह अभी ओमान और सलाला बना हुआ है या दुबई या जबली बना हुआ है कि इनका अपना खुद का कुछ नहीं है, सब बाहर से आता है, इसी तरह पाकिस्तान के पास तो एज ये है कि अपना तो देगा ही देगा, प्लस बाहर से भी सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा। 2-3 साल के बाद गवादर जो है ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं कुछ नहीं तो गोल्ड माइन होगा एक। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में अपनी सर्विसेज दी जैसे कि हम ये देख रहे हैं जी। तो आपकी जो एक फ्यूचर फोरकास्ट है गवादर से रिलेटेड, और इसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और कितना फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन जाएगी जी, जैसे कि अभी के टेक्सटाइल है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। जाते जाते कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें प्लीज। देखिए, मैं हमेशा हर एक को ये बोलता हूँ और आप लोगों को भी आखिर में ही बोलूँगा, टू हैव अ सक्सेस यू नीड टू हैव अ टेस्ट ऑफ डिफीट। जब तक आप फेल नहीं होंगे, जब तक आप गिरोगे नहीं, जब तक आप मायूस नहीं होंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए ये तीन इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है, नाकामी, नाउमीदी, मायूसी। जब इन तीनों से आप गुजर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको, मैं यकीन कर रहा हूँ, आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आपको ये तीन चीज़ें अगर आप गुजर गए तो कामयाबी आपके साथ है। कोई आदमी किसी को कामयाब नहीं कर सकता, कोई किसी को नाकाम नहीं करता, खुद ही इंसान कामयाब करता है और ख़ुद ही नाकाम होता है। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा आपने मुझे भी अच्छा मोटिवेट किया, गाइड किया, और बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया, और ये मैसेज अगर हम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स जो है ना वो जन्म ही ना लें। जन्म ही ना, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर टाइम, फिर आपने हमें देखा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।